इतने में मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आई, वो बोलने लगी क्या देखिए बउआ रो रहा है गली में। इतने में मेरे अंकल दौड़े, देखिए उनका बाबू 4 मंथ का बाबू था, वो अच्छा दूर फेंका चुका था। उसके बाद उनको उठा के लाए, उसके बाद अंदर बोलने लगे क्या कि गोली सबको मार दिया, सबको मार दिया। इतने में हम लोग भी जब गेट से जाके देखे तो मेरी दुर्गा फुआ और मेरे बड़े पापा राज नंदन झा मतलब गिर चुके थे। उसके बाद मेरे सबसे छोटे अंकल वो कल का जो हैंडल होता है उसको खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चढ़ गए, उसको ईटा फेंकने लगे। जब ईटा फेंकने लगे तो देखे कि उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ी था। उसके बाद उसके साथ अशोक मोदी खड़ी था तो वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों थोड़ा सा हट के था। उसके बाद वो अकेले गोली चला रहा था। उसके बाद जब ये दोनों मेरी फुआ मेरे जब बड़े अंकल को जब गोली मार दिया, उसके बाद फिर मेरी छोटी आंटी को मारा पेट में, उसके बाद फिर मेरी बड़ी आंटी को मारा, उसके बाद सबसे लास्ट उसके बाद फिर मेरे दादाजी को पीछे मारा, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरे पिताजी को दौड़ा के मारा जिनको आंख में गोली लग गया। उसके बाद उन्हीं उसी के साथ अरविंद पासवान उसके बाद अशोक मोदी सर साथ में था। उसके बाद जब मेरे पापा को गोली मार दिया तब अरविंद पासवान उस आशीष चौधरी को बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ सर। अभी तक उसपे कोई कार्रवाई नहीं किया। एक बार हमको बोला फिर एफ आई आर को, तब बताइए सर उस टाइम लाश ऐसे हमारे हाथ में रखा हुआ, ये उनकी माँ है जो मरा है, दो लड़का सब उनका, ये सब परिवार है। अब हम बताइए सर क्या एफ आई आर उनको नोट करवाते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं किसका नाम बताते हैं क्या हमको बोला सर जो वहाँ कोई देने वाला खुल मर गया जो है अस्पताल में, हमको बहुत परेशान कर लगा। तब हम बोले करें तो क्या करें, तो ये जो हमारे समधीन थे सर पंजाबी मोहल्ला में थे और एएसपी साहब जो बोलते हमारे साथ बहुत परेशान गलत हमला सब रुपये हमारे साथ में, किससे हम क्या पूछे वहाँ किसी पहचान से जानते नहीं, तो समझेंगे ना उनको बताएगा वहाँ रहती थी कौन है क्या नहीं। तो फिर हम पुलिस की गाड़ी में बैठे, हमारे साथ एक लेडी दरोगा एक जैन दरोगा दोनों साथ बैठ के गया हमको पंजाबी मोहल्ला लेकर उनके पास। उनके पास गया तब जैसे हम बोला वैसे ऐसे आए हैं ये पूछने के लिए से कौन कौन ये आदमी मारा है क्या किया ये केस मतलब करेंगे। तो फिर इमाम बताने लगे इतने देर में जो छोटा वो लड़का है जिसकी पत्नी को सर पेट में गोली लगा, उसका 4 महीने का सिर्फ बच्चा है, उसका ऑपरेशन करके बच्चा हुआ उसकी पेट में गोली मारा है, वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के पीएमसी से भर किया। तो उससे बात हुआ तो हम बोला ऐसे ऐसे कुंदन नाम है सर उस लड़के, हम बोला कुंदन ऐसे ऐसे दरोगा बाबू आए हो ऐसे ऐसे केस के लिए पूछना चाहते हैं किसका कौन है क्या है आप बताओ क्या है। हम बोला ठीक है, थोड़ा जो हम उससे बात हुआ था उनको बोला जो पदाधिकारी थे बोला सर या कुंदन से बात कर लीजिए वो किस किसका नाम बता। कुंदन सबका नाम बताता रहा सर, वो बैठ के लिखाते रहे जो नाम सबका कंप्लीट हो गया। इतने देर में सर उसको कहीं से फोन आया, बस वैसे कागज पर उनका चलो चलो हो गया फट दिया हो गया ऐसे कह के सर उठ के अपनी व्यवस्था आपके वहाँ चल दी। हमको समझ में कुछ नहीं आया सर, हम पूछा सर क्या हो गया क्या आ गया कुछ हमको बताइए कुछ, बोला फट बयान आ गया क्या बोलते हम बयान आ गया तो वहाँ से वो चल दिए हमारी गाड़ी बैठ कर आ गया। उसके बाद यहाँ एक बात हमारा कहने का मतलब सर सब आदमी सुन रहा हमारी बात, हम सर गरीब ब्राह्मण है और आप सर हमारा सब सही न्याय दिलाइए। हम ये नहीं कहते कि निर्दोष किसी को फंसाइए, निर्दोष अगर आपका भी आदमी है चाहे कोई भी खास क्यों ना हो मानवता के नाते सर उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं किया जाए सर। जो जो ये लोग बोलता है सर उसको एफ आई आर करवाए सर, उसको भीतर करवाइए। जो वास्तविक शूटर है सर वो चौधरी जी जिसका नाम है क्या आशीष चौधरी, उसको सर काउंटर करवाइए। और ये सर विधवा सर ये छोटा छोटा बच्चा और बेटा को सर लड़की हो गया सर, एक भाई सर तीन लड़की है सर क्या गोली लगा गरीब ब्राह्मण सब मैं आपको दिल से बोलता हूँ हमारे पीठ पर कोई नहीं है जो भी था सिर्फ आप ही था, पार्टी को वह क्या कहता है क्या करेगा तो बहादुर जाने सर मेरी आपसे बिल्कुल समस्या को सर न्याय कुछ रूटी करवा दीजिए सरकारी तौर पर सर। ये सब कोई आइए किया कोई इंटर किया कोई कुछ किया सर, कहीं कोई सरकारी नौकरी चपरासी हो जाए कुछ भी हो जाए बेचारा क्योंकि भूखल मरे दीजिए सर। दूसरी बात सर जो ये दोषी लोग है सर हमारे बात पर आप कुछ नहीं कर सर, जो
दूसरी आदमी करता है उसके ऊपर करवाइए सर। इसमें कोई पक्षपात नहीं, ना हम किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं और ना किसी दोषी को शरण छोड़ना चाहते हैं। दोषी अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल से चाहे क्रिमिनल से संबंध रखता है तो भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सर आपको हम बहुत बड़ा चीज मानते हैं, इसीलिए आपका बहुत बड़ा छवि है सर हमारे जिला क्षेत्र। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत ये हो जाएगी, हमारे लिए नहीं सर आपके लिए। क्यों? आपका छवि एक नंबर साफ सुथरा था सर इस मामले में हमारे क्षेत्र के लिए, और ये जो हमको गिटिर पिटिर कर रहा, कोई बोल रहा है कि तुम कैसे बोल रहा, उसमें दिखाया एक बड़ा बड़ा मतलब बहुत लोग हमारे प्रेशर डाल रहा है सर, हमारे पीछे कोई नहीं, हमको पीछ पर नहीं आता, हमें हंस कहाँ भाग जिनको छोड़ दे। हमारे अलावा सर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आदमी लोकल हमको जानते होंगे इनका अभी कोई नहीं है सर बोलने को। आप सर हमारे माँ बाप हैं, भगवान हैं सर, आपसे ही मेरा मांग है सरकार से सर, आप सरकार में हैं, आप जो कहेंगे सर नीतीश कुमार जी करेंगे। ये मेरी बेटी नहीं, आप सब भारत सर आपका बाल बच्चा, इनको सरकारी से कहीं नौकरी लगवा दीजिए, आपका एक फोन से सब कुछ मिलेगा। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, दोषी चाहे जो भी होगा सर, कोई भी हो, हाँ कोई मतलब नहीं, कोई होगा वो बचेगा। ठीक सर, उतना निश्चिंत। ठीक सर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी अगर वास्तविक में दोषी है। और उसमें अरविंद पासवान जो हमको लोग इशारा कर रहा था, अरविंद पासवान नाम आपके सामने सुन रहा है, उसको कोई अगर पैर भी नहीं करेगा तो उसको अगर हिसाब पिसा हुआ तो हम कोर्ट फिर चले गए। सुनिए ना, जहाँ जाना हो जाइए, उससे नहीं मतलब है। आज तक हम लखीसराय में इतना दिन में किसी दोषी को नहीं बचाया, हम तो देखें तो इसलिए आप ये सब हमको जो बता रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, तो जहाँ जाना हो तो आपके आपका स्वतंत्र है, आपको जहाँ मन करे जा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। हम इतना ही जान भरोसा है सर, इतना ही जान लीजिए, इसलिए हमको ये सब मत सुनाइए कि हम कोर्ट जाए। अरे कोर्ट जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है? कोई किसी को रोकता तो नहीं है, लेकिन फिर वही बात, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, चाहे कोई भी, मेरा कोई परिवार का आदमी होगा तब भी नहीं बचेगा। बात खत्म है, भरोसा तो चाहते क्या सर? और बाकी आपसे पूरा भरोसा ही, बाकी हम लोग बात करेंगे सरकार में क्या प्रावधान है सर, लड़की के लिए कैसे गुजारा करेगी सर, प्रावधान है उसके पास 8-8 बच्चे हो गया है सबकी माँ जूझ रही है। हम बात करेंगे, कोई रास्ता अगर होगा तो जरूर रास्ता, आपके पास सब रास्ता है सर। सर मेरी थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए सर, कोई आते हैं तो कोई 200, कोई 400, कोई 500 या कोई 5000 दे के चले जाते हैं सर, उससे तो मेरा 8 बच्चे का कोई मतलब नहीं है। 400-500 न हम देने वाले हैं, न हम उसमें विश्वास रखते हैं, हम ये चाहते हैं विश्वास सर, नहीं रखते की दाल रोटी का व्यवस्था न्याय के साथ हो जाए, न्याय में। और हम इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय बात, यहाँ हकीकत यही था ना सर, जमीनी विवाद था। ठीक, उसके घर के बगल में मेरा जमीन है जो दीवार थोड़ा तोड़ के पिलर देना चाह रहा था। आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जो भी साक्ष्य हो, वो साक्ष्य हम पुलिस अफसर को कह देंगे, वो आपसे बात करेगा, जो भी साक्ष्य होगा आप उसको दीजिए, उस साक्ष्य के आधार पर भी वो जाँच करेगा। बिल्कुल सही, पुलिस अधिकारी आपसे मिलेगा और मिलकर आपसे भी साक्ष्य लेगा, फिर से आपका बयान लेगा, और बयान लेने के बाद अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं उस साक्ष्य पर होगा। इसलिए कि पुलिस का जो जांच होता है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, तो सच्चाई तक पहुंचने में और जो साक्ष्य है उस दोनों में पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। ये हम बात करेंगे एसपी से भी और डीआईजी से भी और भी लोगों से। और जानते हैं सर, ये जमीन का खुला तो भय हो गया, आगे जो मेरा जमीन है इसके भी इनको भय पैदा हो गया है, यही पड़ता हूँ मेरा कहीं इस जमीन पे न कर दे, कि हम ये चाहते हैं गरीब ब्राह्मण इस पे मेरा बाउंड्री हो जाए, ताकि फिर ये मेरे घर में कभी नरसंहार न हो। बाउंड्री कराइए, लेकिन जो जहाँ तक इस घटना का सवाल है, सर इसको चूल्हा नहीं जलता है, कहाँ से जो भी सच्चाई है वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी, सच्चाई तक पुलिस को पहुँचना है। और जो बाकी है आप बात कर रहे हैं परिवार के अंदर लोगों के लिए कोई रोजी रोजगार करना नहीं है, तो उसके लिए बात करेंगे, कोई उसके लिए प्रावधान कोई भी होगा तो उसमें जरूर सहयोग करेंगे।
परिजनों से मिलने आए थे, उनकी बात सुनने के लिए आए थे, और जो घटना हुई है वो घटना जघन्य श्रेणी की घटना है, और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। निर्दोष लोगों को एक परिवार के 6-6 लोगों पर गोली बरसाना ये बहुत ही कृतघ्न काम है। तो इस तरह उनसे मिलने आए थे, उनकी बात हमने सुनी है, और बाकी जो कुछ भी है वो पुलिस की जांच का विषय है। वो तो हमने कहा है कि वो अगर क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उस प्रावधान और नियम के मुताबिक होता है। इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है, PMCH के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे लगातार हमारी बात हो रही है, और उसमें एकाध जिनको गोली लगी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब उनका भी ऑपरेशन हो गया। दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस का काम है, ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं सर, ये पुलिस का काम है दोषियों पर कार्रवाई करना, साक्ष्य इकट्ठा करना और निष्पक्ष जांच करना, ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करेगी। एक व्यक्ति किसी का ऑपरेशन हो रहा था, वो एक बीमारी से ग्रस्त है, तो एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त भी यहाँ से पता चला है, तो उस बीमारी के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, दोनों हो गए हैं, इसलिए तो सब हम जानकारी ले रहे हैं और सारी व्यवस्था हम करेंगे। उसमें जो भी सुपरिटेंडेंट है उन सबसे हमने कहा है कि पूरा कुछ और दवा दारू वहाँ जो भी है सारी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, और सुपरिटेंडेंट से लगातार मेरी बात हो रही है, उसी दिन से बात हो रही है। सुपरिटेंडेंट ने ही हमको बताया कि सर ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि हम लोग उसका एक किट होता है, वो किट जो हम लोगों के पास होता है वो किट सही नहीं है, तो इसलिए हम बाजार से किट मंगवाए हैं, और किट आ गया, अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो रात में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमको उन्होंने बताया कि ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ है। तो इसलिए हमने कहा आपको कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई बचेगा नहीं, जो दोषी होगा कोई नहीं बचेगा, और जो बाकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए बात करेंगे सरकार में, अगर कोई प्रावधान होगा तो उस प्रावधान में हम जरूर मदद करेंगे। सर मैं एक आवेदन देना चाहती हूँ आपके लिए। सर कर लिए ठीक। देखिए एकदम जरूर जरूर।